नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्राग टाइम्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कल्याण में लगभग 32,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद पिछले 4 सालों में मुंबई में मेट्रो के जाल बिछाने के लिए अनेक परियोजनाओं की शुरुआत की है। डिजिटल भारत की सोच पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की भूमि पूजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई करों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार विकास पर सवार होकर दौड़ रही है। मुंबई और ठाणे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगी। मुंबई और ठाणे देश का वो हिस्सा है जिसने देश के सपनों को साकार करने में मदद की है। छोटे छोटे गांवों कस्बों से आए सामान्य लोगों ने यहां बड़ा नाम कमाया है, गौरवान्वित किया है। यहां जन्म लेने वालों, यहां रहने वालों का हृदय इतना विशाल है कि सपनों को अपने दिल में जगा दी है। तभी तो यहां पूरे भारत की तस्वीर एक ही जगह दिखती है। जो भी यहां आते हैं वो मुंबई या रंग में रंग जाता है, मराठी परंपरा का हिस्सा हो जाता है। भाई और बहनों, आज मुंबई का विस्तार हो रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहां संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विशेष तौर पर यहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़क और रेल व्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते 4-4.5 वर्षों में मुंबई और ठाणे समेत इससे सटे तमाम इलाकों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भी यहां जो 33,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है उसमें 2 मेट्रो लाइन भी शामिल है। इसके अलावा ठाणे में 90,000 गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपने घरों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत आज की गई है। साथियों, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी शहर, किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10-10 शहर भारत के शहर है। यानी देश जितनी तेजी से विकास की गति को पकड़ रहा है उसका एक मजबूत हिस्सा हमारे शहर रहने वाले लोग हैं। मुंबई तो वैसे भी देश की आर्थिक गतिविधियों का सेंटर रहा है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। इसलिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी तब हमने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। मुंबई लोकल के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया। यहां के पुराने रेलवे ब्रिजों का नवीनीकरण किया गया। मुंबई लोकल के अलावा भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यमों का विस्तार किया जा गया जिसमें से मेट्रो सिस्टम सबसे प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। आज जो मेट्रो का विस्तार यहां ठाणे में हुआ है ये मुंबई, ठाणे और आसपास के दूसरे क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी देने के विजन का ही हिस्सा है। साथियों, मुंबई में पहली बार साल 2006 में मेट्रो की पहली परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 8 साल तक क्या हुआ, कहां मामला अटक गया, बताना मुश्किल है।
पहली लाइन 2014 में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन, 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर। 2014 के बाद हमने तय किया कि मेट्रो लाइन बिछाने की स्पीड भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगी। पिछले 4 साल में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए अनेक नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी सोच पर चलते हुए आज 2 और मेट्रो लाइनों का शिलान्यास किया गया है, यानी आने वाले 3 साल में यहां 35 किलोमीटर की मेट्रो क्षमता और जुड़ जाएगी। इतना ही नहीं, साल 2022 से 2024 के बीच मुंबई वासियों को 325 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे लाइन उपलब्ध हो जाएगी। आज जो शिलान्यास किए गए हैं उससे ठाणे से भिवंडी, कल्याण दहिसर से लेकर मीरा भाईंदर तक के लोगों को तो फायदा पहुंचेगा ही, इससे पूरी मुंबई में जाम की परेशानी कम होगी। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कल्याण पश्चिम के फटके मैदान में 2 महत्वाकांक्षी मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करते हुए कहा कि मुंबई की लोकल सेवाओं पर पड़ने वाले यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए यातायात के नए साधनों को विकसित किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।